इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिना इंटरनेट के अपना जीमेल इनबॉक्स कैसे एक्सेस करते हैं, जीमेल इनबॉक्स को ऑफलाइन कैसे देखें। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पर पहले ये समझ लेते हैं कि जीमेल इनबॉक्स ऑफलाइन एक्सेस क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है। हो सकता है कि आप किसी लंबी फ्लाइट पर या ट्रेन पर सफर करने वाले हैं। सफर घंटों लंबा होगा और इंटरनेट कनेक्शन या तो खराब और महंगा होगा या होगा ही नहीं। ऐसे में अगर आप अपने जीमेल इनबॉक्स को ऑफलाइन एक्सेस कर पाते तो कितना अच्छा होता। दिन भर ऑफिस में मीटिंग्स में समय ना जाने कहां चला गया और इतनी ईमेल्स हैं जो खोली भी नहीं। अब या तो देर तक ऑफिस में बैठकर ईमेल्स का जवाब दो या घर में लेट बैठकर ऑफिस की ईमेल्स खत्म करो। क्या कोई सलूशन या उपाय है? ऐसे में आप अपनी ईमेल्स को ऑफलाइन ले सकते हैं और वो आपके कंप्यूटर में आ जाएंगी। फिर जब आप ट्रैफिक में फंसे हुए हों, बस में या टैक्सी में, तो उन ऑफलाइन मेल्स को आसानी से बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी खोलकर देख सकते हैं और उनका जवाब भी दे सकते हैं। पर ईमेल्स आपके सेंड बॉक्स में ही रहेंगी। एक बार आप घर पहुंच गए और इंटरनेट से कनेक्ट किया तो आपकी ईमेल्स जिनका आपने ऑफलाइन मोड में जवाब दिया था वो भेज दी जाएंगी। आइए सीख लेते हैं कि बिना इंटरनेट के अपना जीमेल इनबॉक्स कैसे देखते हैं। यहाँ मैं क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाली हूँ और मेरे कंप्यूटर पर विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप करते हैं chrome.google.com/webstore। ये क्रोम का वेब स्टोर खुल गया। आपको यहाँ पर क्रोम एप्स खोजनी है। अब यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर देते हैं जीमेल ऑफलाइन। ये रहा जीमेल ऑफलाइन, इधर क्लिक किया और यहाँ पर आपको जीमेल ऑफलाइन ऐप दिख रही है। यहाँ पर ये नीले रंग का बटन है जहाँ लिखा है ऐड टू क्रोम, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब ये एक पॉपअप सा खुल गया, यहाँ पर ऐड ऐप क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये वो सारी एप्स हैं जो मेरे क्रोम के साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर नीचे मुझे जीमेल ऑफलाइन दिख रहा है। अब मैं इधर क्लिक करके इसे खोल लेती हूँ। अब मुझसे कुछ परमिशन मांगी जा रही है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ जहाँ लिखा है अलाउ ऑफलाइन मेल और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी सारी ईमेल आ गई। अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। यहाँ देखिए, ये मेरे इनबॉक्स में प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस वगैरह सब की सब ईमेल्स आ गईं। अब किसी ईमेल को देखकर उसका जवाब दे देते हैं। ये किसी ने मुझे ईमेल भेजी है तो मैं यहाँ पर रिप्लाई के बटन पर क्लिक कर देती हूँ और लिख देती हूँ और नीचे अपना नाम लिख दिया और सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये सिंकिंग जो है ये कंप्लीट हो गई। अब ये क्यों हुआ? देखिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं फिलहाल इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती तो ये ईमेल नहीं गई होती। यहाँ देखिए, अब मैं अपने वाईफाई कनेक्शन पर गई और मैं वाईफाई को डिसकनेक्ट कर देती हूँ। ये देखिए, आ रहा है वाईफाई टर्न्ड ऑफ। अब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ। अब मैं कोई और ईमेल का जवाब दे देती हूँ। ये देखिए, ये रही कोई ईमेल। मैं इधर रिप्लाई के बटन पर क्लिक करके और ये मैंने जवाब दे दिया और सेंड पर क्लिक कर दिया। ये देखिए, अब वो बोल रहा है ऑफलाइन, लास्ट चेक्ड जस्ट नाउ और आउटबॉक्स में एक ईमेल दिखा रहा है। ये देखिए, तो ये मेल जो है ये मेरे आउटबॉक्स में ही रहेगी। जैसे जैसे मैं ईमेल्स का जवाब देती रहूंगी ये ईमेल्स मेरे आउटबॉक्स में आती रहेंगी। चलिए, ये रहा एक और मेल, मैं इसका जवाब भी दे देती हूँ और सेंड पर क्लिक किया। ये देखिए, अब मेरे आउटबॉक्स में दो ईमेल्स आ गईं। तो आउटबॉक्स का मतलब ये वाली मेल्स कंपोज हो चुकी हैं
लेकिन ये भेजी नहीं गई क्योंकि ये कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। अब हम वाईफाई कनेक्शन को कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक किया और ये वाईफाई पर क्लिक कर दिया, कनेक्टिंग। ये देखिए, अब मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ और ये देखिए आउटबॉक्स में अभी भी दो ईमेल्स हैं। तो इधर क्लिक किया और अब ये बोल रहा है सिंकिंग कंप्लीट, आउटबॉक्स जीरो, यानी कि ये मेल्स जो मेरे आउटबॉक्स में थी अब ये इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद चली गई और बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी मैं ये सारी की सारी ईमेल्स अपने इनबॉक्स में देख पाए। तो बहुत ही सिंपल है, आप अपनी सारी ईमेल्स ऑफलाइन मोड में बिना इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हैं और उनका जवाब भी दे सकते हैं, और फिर जब आप इंटरनेट पर आएंगे तो आपकी वो ईमेल्स आउटबॉक्स में से सिंक हो जाएंगी और वो अपने आप चली जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये सारा का सारा डेटा हमारे कंप्यूटर में अब आ गया है। अब एक बार ये ऑफलाइन डेटा हमारे कंप्यूटर में आ गया और हमारा सब काम खत्म हो गया तो इसे हटाएं कैसे, आइए देख लेते हैं। अब क्रोम ब्राउजर में टाइप करिए chrome:// settings/cookies। ये देखिए, ये मैं ब्राउजर में यहाँ पर ये टाइप कर देती हूँ, आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी कुकीज़ और साइट डेटा आ गया और इसमें मुझे जीमेल की कुकीज़ भी दिख रही हैं। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो ये जीमेल ऑफलाइन है जो ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है और लोकल स्टोरेज में एक कुकी है। तो ये सारा जो डेटा है मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे हटा सकती हूँ, लेकिन मैं रिमूव ऑल करने वाली हूँ। तो ये सारी की सारी कुकीज़ अब हमारे कंप्यूटर में से डिलीट हो गई। अब इसका क्या फ़ायदा, देखिए क्या होता है कि जब आप ये सारा डेटा, ये सारी ईमेल्स अपने पीसी पर लाते हैं तो ये ब्राउज़र के साथ जुड़ा होता है, कल को कोई और उस ब्राउज़र को यूज़ करता है तो वो आपकी ईमेल्स देख सकता है। इसलिए बेहतर है कि इन सारी कुकीज़ को और इस सारे डेटा को आप आराम से हटा दीजिए और फिर डन के बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, और फिर डन पर दोबारा से क्लिक कर दिया। अब अगर इस जीमेल ऑफलाइन की क्रोम ऐप को अनइंस्टॉल करना हो तो कैसे करें, आइए देख लेते हैं। यहाँ ब्राउजर में ऊपर टाइप करते हैं chrome:// apps। ये देखिए, ये क्रोम की सारी ऐप्स आ गई और यहाँ पर ये है जीमेल ऑफलाइन। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो खुल जाती है और यहाँ पर नीचे है रिमूव फ्रॉम क्रोम, इधर क्लिक कर देते हैं और रिमूव के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये जीमेल ऑफलाइन की ऐप हमारे क्रोम ब्राउजर से अब अनअटैच हो गई, अब ये यहाँ से हट गए। जाने से पहले तीन बातें बता दूं। पहली बात, जीमेल ऑफलाइन में हो सकता है कि जीमेल के कुछ फंक्शंस या फीचर्स काम ना करें। दूसरी बात, अगर आप क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बिना सिंक किए आप किसी दूसरे ब्राउजर से जीमेल ऑफलाइन देखने की कोशिश करते हैं तो वो सब जो आपने चेंजेस किए थे, जो मेल्स आपने कंपोज करी थी, वो आपको हो सकता है नहीं दिखें जब तक कि आप जीमेल ऑफलाइन को अपने क्रोम ब्राउजर से सिंक नहीं कर देते। तीसरी बात, अगर आप किसी साइबर कैफे से या फिर पब्लिक कंप्यूटर से जीमेल ऑफलाइन को यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रहे, आपकी सारी मेल्स उस कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएंगी। तो ये बात ध्यान में रखिए और सिर्फ अपने पर्सनल कंप्यूटर पर ही जीमेल ऑफलाइन फीचर का इस्तेमाल करिए या फिर उस डेटा को हटा दीजिए और उस ऐप को इस्तेमाल करने के बाद अनइंस्टॉल कर लीजिए। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि जीमेल को ऑफलाइन एक्सेस कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए
और सीखते रहिए। धन्यवाद।